बिहारी स्टाइल गोजा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल के आटे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि पानी अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए। बिहार में इस रेसिपी को गोवर्धन पूजा पे बनाते हैं। देखिए इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करने से जो आटा है इसको हम लोई बना करके बाद में पानी में उबालते हैं तो वो फटता नहीं है। अब हम इस सबको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए हमने आटा सारा निकाल लिया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते हैं दाल पीस लेते हैं। हमने मिक्सी जार लिया है, ये हमारा मसूर का दाल है, इसे हमने 4 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसका पानी निकाल लिया है, अभी ये सबको इसमें डाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये जीरा, क्यूमिन सीड्स, ये 4 ग्रीन चिली है, इसको भी तोड़ के डाल देंगे। ये गार्लिक की कलियां हैं, इसे भी डाल दूंगी। ये हमारा हींग है, अब इसको भी डाल के अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दाल हमारा पीस गया है। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है। अब मैं इसमें जो दाल पीस के रखी थी इसको डालूंगी। मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, हल्दी पाउडर। अब हम सबको चला करके अच्छे से भून लेंगे। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। ऐसे तो ये गोजे पीठा जो है 4 तरीके से बनता है, लेकिन ये सबसे पुराना बिहारी स्टाइल है। देखिए दाल हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसे स्टेज पर गैस को ऑफ करूंगी और इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। देखिए हमारा आटा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डो लगा लेंगे। हमारा डो बन के तैयार है। अब हम इसे छोटी छोटी लोई लेंगे और इसे दाल का स्टफिंग करेंगे। कढ़ाई में हमने डायरेक्टली आटा को जो गर्म पानी में मिक्स किया था उसे करने से ये जो आटा है जब इसको हम पानी में बॉयल करेंगे तो ये नहीं फटेगा। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। देखिए हमने सारा गोजा बना लिया है। ऐसे ही हम पीठा भी बनाते हैं, बस इसमें डिफरेंस यही होता है कि इसमें कुछ स्टफिंग नहीं करना होता है। ये हमारे रेसिपी का नाम है गोजा पीठा, तो गोजा उसको बोलते हैं जिसमें स्टफिंग करते हैं, और पीठा जो बिना स्टफिंग का बनाते हैं। देखिए मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था, हमारा पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें सारे गोजे को डाल लूंगी। देखिए हमारा ये बॉयल करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि बॉयल हुआ है कि नहीं अच्छे से। ये ऑलमोस्ट पक चुका है। देखिए हमारे ये गोजा बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ है, नहीं तो अगर फट गया रहता तो पूरा पानी में मिक्स हो गया रहता। तो जो हमने कढ़ाई में इसको मिक्स किया है गर्म पानी पे तभी हमारा ये बढ़िया से बनकर तैयार हुआ। अब मैं इसे निकालूंगी, ये हमारा ये बन चुका है। देखिए हमारा गोजा बनके तैयार है। इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने रखा है फ्रेंग पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और इसे चटकने दूंगी। अब मैं इसमें एक एक डाल दूंगी। अब हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे।
देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। इसे आप और ज्यादा टेस्टी बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं कि प्याज और ग्रीन चिली और कुछ मसाले डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। बट हम इसे ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम इसे सब्जी के साथ चटनी के साथ खाते हैं। अब मैं इसे गैस को ऑफ करूंगी। देखिए हमारा बिहारी स्टाइल गोजा पीठा बनके तैयार है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। आइए तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर का स्टफिंग कैसा दिख रहा है। ये काफी हेल्दी के साथ साथ काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है, तो इसे आप जरूर बनाइए। इसका स्वाद आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इसे आप सब्जी, चटनी या फिर पिकल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।